नमस्कार, स्वागत है आपका कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश में। यूपी में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं, इससे पहले यहां सियासत भी तेज होती जा रही है। यूपी के दौरे पर पहुंची कांग्रेस महासचिव और यूपी प्रभारी प्रियंका गांधी ने कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं को सफलता का मंत्र दिया। यूपी में कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने के लिए प्रियंका गांधी लखनऊ में डेरा डाले हुए है। प्रियंका गांधी लगातार लोगों से संवाद कर रही है। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में जोश भरने के लिए प्रियंका कार्यकर्ताओं को चुनावी मंत्र भी दे रही हैं। कांग्रेस महासचिव और प्रभारी प्रियंका गांधी वाड्रा ने अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं को सफलता का मंत्र देते हुए चुनाव तक 2400 घंटे काम करने का लक्ष्य तय करने और एक साथ मिलकर मजबूती से आगे बढ़ने का आह्वान किया। अगले वर्ष की शुरुआत में होने वाले उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की जमीन तैयारी करने के इरादे से राजधानी लखनऊ के दौरे पर आई प्रियंका ने कांग्रेस प्रदेश मुख्यालय में पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा, आप लोग आज से 24 घंटे काम करने का लक्ष्य निर्धारित करें, न रुके न ही डरे। आपको आगे बढ़ना है, ताकत के साथ आगे बढ़ना है और चुनाव जीतना है। आपको ये गर्व करने की जरूरत है कि यहाँ जो संगठन बनाया गया है वो फर्जी नहीं है या सिर्फ कागजों पर नहीं है। ये संगठन आपकी वजह से है और अगर कांग्रेस चर्चा में है तो ये आपकी वजह से है। शुक्रवार को यहाँ आने के बाद से ही कार्यकर्ताओं के साथ लगातार संवाद कर रही वाड्रा ने अन्य राजनीतिक दलों पर भी तंज कसा है। प्रियंका ने कार्यकर्ताओं से लोगों के मुद्दे, उनके संघर्षों और भावनाओं से जुड़ने का आह्वान करते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता लोगों के मुद्दों को उठाने वाले पहले हैं। उन्होंने नए लोगों को संगठन में शामिल करने और वरिष्ठ नेताओं को साथ लेकर चलने की नसीहत देते हुए स्पष्ट किया कि सभी लोग मिलकर ही इस लड़ाई को लड़ सकते हैं। कांग्रेस महासचिव प्रियंका ने कार्यकर्ताओं को नारे लगाने के साथ ही अनुशासन का भी सबक दिया। प्रियंका ने कहा, आपको चुनाव जीतना है तो ये मत भूलो कि लड़ने के लिए अनुशासन भी जरूरी है। मजबूत बनो, हम सभी चुनाव के लिए आगे काम करेंगे और इतना काम करेंगे कि सभी इसे स्वीकार करेंगे कि जहां भी कोई समस्या हुई है पार्टी के नेता और कार्यकर्ता सबसे आगे रहे हैं। यूपी में गठबंधन करने पर भी प्रियंका की ओर से कहा गया कि हमारा मकसद बीजेपी को हराना है, इसके लिए हम परिस्थितियों के अनुसार निर्णय लेंगे। प्रियंका गांधी की लखनऊ यात्रा पर यूपी के मंत्री मोहसिन रजा ने निशाना साधा। मोहसिन रजा ने कहा, वो कभी भी जाने के लिए आजाद है क्योंकि उत्तर प्रदेश सभी के लिए, खासकर महिलाओं के लिए सुरक्षित है। जनता ने कांग्रेस को हर जगह से नकार दिया है। अगर प्रियंका गांधी सच में कुछ करना चाहती है तो उनको किसानों को भी जमीनें लौटाना चाहिए जो कांग्रेस नेताओं ने ले ली है। प्रियंका गांधी लगभग 1.5 साल के बाद यूपी के दौरे पर आई है। विधानसभा चुनाव को देखते हुए प्रियंका गांधी यूपी के सत्ताधारी बीजेपी पर हमलावर है, वहीं बीजेपी भी प्रियंका गांधी को घेरने में लगी हुई है। प्रियंका गांधी ने अपने लखनऊ दौरे पर एक बड़ी बात कह दी। प्रियंका ने कहा कि हमारा असली मकसद बीजेपी को हराना है। प्रियंका गांधी ये बहुत अच्छे से जानती हैं कि अकेले कांग्रेस पार्टी यूपी में बीजेपी को नहीं हरा सकती। हालांकि अभी गठबंधन के मुद्दे पर प्रियंका गांधी ने चुप्पी साध रखी है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बने रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश के साथ। 2 साल पहले शुरू हुई एक मुहिम, मीडिया में एक नया आंदोलन, शपथ झूठ को बेनकाब करने, संकल्प सच को आप तक पहुंचाने का, और इस क्रांति को मिला आपका साथ। हर दिन हमसे जुड़े लोग, 10,70,00,000 से ज्यादा दर्शक हमें देख चुके हैं। अब है आपकी बारी। उत्तर प्रदेश में नए आंदोलन की तैयारी। आपका कैपिटल टीवी अब और स्पेशल और फ्रेश। कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश।